हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार दोबारा स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल टैगर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमेशा की तरह। इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टाग्राम। आज मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम तो यूज़ करते होंगे और आप लोग उस पर स्टोरीज भी देखते होंगे काफ़ी सारी। हाँ दोस्तों, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो इंस्टाग्राम पर स्टोरीज तो लगाते हैं, तो आप लोग उसको देखते होंगे और आपको कोई एक स्टोरी पसंद आ गई। अब आप लोग सोच रहे हो ये स्टोरी मैं अभी अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लूँ, तो आप वो स्टोरी अपने फ़ोन के अंदर कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। हाँ दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी अननोन पर्सन की स्टोरी अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो और आप भी अपने स्टेटस पर लगा सकते हो। तो ये आपको कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसका नाम है इंस्टा स्टोरी सेवर। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर के अंदर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। मेरे फ़ोन के अंदर ये पहले से डाउनलोड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखो इन स्टोरी, अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टाग्राम ओपन करके। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने स्टोरीज लगा रखी हैं, तो आपको मैं डाउनलोड करके दिखाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम ओपन करने का ये देखो, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने स्टोरीज लगा रखी हैं, ये देखो। तो यहाँ पे मैं किसी को एक स्टोरी ओपन कर लेता हूँ, ये देखो ये स्टोरी लगा रखी है। अब मेरे को ये अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करनी है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको बैक करना है। बैक करने का तो आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड करी है उसको ओपन करना है, इन स्टोर को। इन स्टोर को ओपन करने के सबसे पहले आपको ये अपना इंस्टाग्राम से लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, पहले आप इसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप किसी अननोन पर्सन की स्टोरी अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और दोस्तों ये देखो, इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर लिखा रहा पोस्ट डीपी प्रोफाइल, और यहाँ पर नीचे लिखा रहा पेस्ट यूआरएल डाउनलोड। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा रहा है सेटिंग्स, हाउ टू डाउनलोड, शेयर ऐप, प्राइवेसी पॉलिसी, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जाना है, बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, नीचे स्वीप अप करना है। नीचे स्वीप अप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टोरी सेवर का। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा रहा है डाउनलोड एंड व्यू इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो आप इसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा है। पहले मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा आपको आगे क्या करना है। और दोस्तों ये देखो, मैंने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया है और मेरी प्रोफाइल भी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पे लिखा रहा है अनुज यादव 98776। ये देखो दोस्तों, मेरी यहाँ पर सारी जो है स्टोरीज ओपन हो गई है। यहाँ पर आप और भी अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपको करना है तो। यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, और आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। अब ये देखो, यहाँ पे मैं आपको किसी एक ही स्टोरी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया था, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला आ रहा है डाउनलोड, शेयर, रिपोस्ट। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपकी स्टोरी है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, मेरे फ़ोन के अंदर ही डाउनलोड हो चुकी है। हाँ दोस्तों, मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं आपको कोई और स्टोरी यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मैं बैक करता हूँ उसको। दोस्तों ये देखो, इस भाई ने यहाँ पर स्टोरी लगा रखी है, ये क्या नाम है, ये देखो मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखो आप यहाँ से भी ये स्टोरी डाउनलोड कर सकते हो, आप डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से शेयर कर सकते हो और रीपोस्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी की भी स्टोरी अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। हाँ दोस्तों, किसी की भी, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके फ्रेंड लिस्ट के अंदर हो या अदरवाइज आपका फ्रेंड हो या ना, आप अपनी भी स्टोरी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको डाउनलोड करनी है तो, विथ सॉन्ग के साथ। इंस्टाग्राम के अंदर ऐसा नहीं होता, आप विदाउट सॉन्ग के साथ ही स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सॉन्ग मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो आपको ये फीचर कैसा लगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा।